साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा, फिर आपका क्या होगा? मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, नव शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों, तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट, सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू फ्रांस। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उस योगदान को
मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, आज आप जो कर रहे हैं उस कर्तव्य भाव को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।